हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी विश्वकर्मा चैनल। और आज हम आप लोग के साथ हरी धनिए की चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसका सामान देख लेते हैं और इसको हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमने धनिया की पत्ती लिया है। धनिया की पत्ती को हमने साफ़ करके धुल के और फिर इसको कट कर लिया है इस तरह से मोटा मोटा। और यह है हरी मिर्च, इसको हमने धुल के रखा है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का इसको छील लिया है और छिला हुआ लहसुन है और नमक है। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। और हमने यह ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम इस तरह से बीच से तोड़ के डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और साथ में हम डालेंगे लहसुन और नमक। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। और अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको हम बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, चटनी को हमने पीस लिया है तो हम आप लोग को खोल के दिखा देते हैं। और ये देखिए, एकदम बारीक पीस गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे। चटनी को हम इस कटोरी में निकाल लेंगे और आप इस चटनी को पूरी, पराठा या रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, बहुत टेस्टी लगेगी, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करें। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।